सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ZA YouTube। तो गाइस, क्या आपको भी एक अपना खुद का गेम बनाना है? अगर हाँ तो यार इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाइस आप यहाँ पे फ्री में गेम कैसे बना सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन में, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसके लिए हमें एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वी प्ले गेम इंजन। और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एंड गाइस, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हो तो यार उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, डाउनलोड हो रहा बट इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उसी के साथ साथ गेम कैसे बनाएंगे, यूज़ कैसे करेंगे, वो भी इस वीडियो में ही क्लियर करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड में आ जाना है। एंड आपको जो है एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ZArchiver। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो फटाफट से मैं ZArchiver को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, ZArchiver ओपन हो चुका है। उसके बाद डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगी वो फाइल। या तो हो सकता है आपके वन में कहीं और सेव हो, बट जहाँ आपको सेव लगती है मतलब ZArchiver से आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे नीचे आया ना, एकदम नीचे नीचे चलते हैं जहाँ तक हमारी फाइल मिलती है, तब तक चलते रहते हैं। एंड ये देखो गाइस, हमारी यहाँ पे फाइल आ चुकी है, हमारा APK। इसको यहाँ से ZArchiver से इंस्टॉल करेंगे ना, ये परमिशन मांग रहे हैं, उसको परमिशन दे देते फटाफट से। एंड अब देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, बट गाइस मैंने इंस्टॉल करके रखा है इसलिए मैं हटा रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो अब फटाफट से इस ऐप को ओपन करते हैं। सो गाइस, ऐप को मैंने कर लिया ओपन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो क्रिएट गेम का आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको क्रिएट गेम का एक और ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर भी क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको बस अपने गेम का यानी अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ZA YouTube लाइव और ज़ॉम्बी किलर। तो गाइस मैंने नाम दे दिया। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ कि भाई इस गेम के बारे में, इस गेम में क्या होगा, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। तो यार हमें जीत, हमें जो है ज़ॉम्बीज को मारना होगा जीतने के लिए, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। सो गाइस मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर मैं गेम को कर देता हूँ स्टार्ट। सो यहाँ पर हमें कुछ टिप वगैरह देगा, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि आज की वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं गेम की तरफ। एंड यहाँ पर हमारा जो है थोड़ा टाइम ले सकता है, अगर आपका तेज है तो जल्दी आ जाएगा, आपके वॉल पर डिपेंड करता है। देखो गाइस मेरा आ चुका है। एंड हमें बनानी ज़ॉम्बीज गेम। तो ये जो हमारी जो ये लैंड है ये कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसको डरावनी लैंड बनाएंगे। तो हम जाएंगे टेरेन मटेरियल पे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेरेन मटेरियल आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको इधर जाना है। एंड यहाँ पर आपको अपना लैंड सेलेक्ट करना है, आपका लैंड कैसा होगा। तो यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ। ओके गाइस, अब देख सकते हो, अब लग रहा है कि भाई हो रहा है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत एडिटिंग करेंगे यानी एडिशन करेंगे। तो हम लोग पहले तो यहाँ पे घर वगैरह डालते हैं। तो घर में थोड़ा सा कमी डालना है, क्योंकि यार ऐसा गेम तो हमें ज़्यादा वैसा नहीं चाहिए, मतलब ठीक है घर वगैरह कम डालना है, वरना MB भी ज़्यादा होगी एंड लैग भी करेगा सही, और मज़ा भी नहीं आएगा खेलने में। ठीक है, तो हमें घर वगैरह कम डालना है, इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे इतने हाउसेस बहुत है। सो गाइस, अब कुछ रियलिस्टिक बनाने के लिए कुछ हम आइटम वगैरह यहाँ पे छोड़ देते हैं यानी रख देते हैं। तो हम लोग वापस जाएंगे 3D मॉडल में। एंड यहाँ पे बिल्डिंग की जगह हम लोग यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो नीचे आइटम सारे इधर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर देख सकते बहुत सारे आइटम्स आ चुके हैं। एंड अभी हम लोग कोई भी आइटम सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर देना, आप कोई से भी कर सकते। मैं अभी आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो यार मैं जल्दी जल्दी जो भी आ रहा है हाथ में वो कर रहा हूँ। ठीक है, बट आप इस पर टाइम देना, जरूर देना, एंड आपका गेम अच्छे से अच्छा बनेगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग कैरेक्टर ले लेते हैं। कैरेक्टर्स हम ये ले लेते हैं क्योंकि हमें ज़ॉम्बीज दिखाने, तो ये ज़ॉम्बीज हमारे ही आ गए ज़ॉम्बीज। ठीक है, प्लेयर का भी हम करेंगे इंतजाम, पहले ज़ॉम्बीज का कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ये एक और चीज़ है जिससे लगे कि हाँ ये ज़ॉम्बीज के लिए अपन को एक और काम करना पड़ेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज़ॉम्बीज वगैरह जितने हो सके मैं प्लेस कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि ज़ॉम्बीज पे क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ज़ॉम्बी इतने बहुत है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये कोई भी ज़ॉम्बी मैं सेलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर मैं इस पे आता हूँ एडिट पे। एंड यहाँ पे देखो मॉन्स्टर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड ये हमें कितनी दूर से देखेगा और हमारे पास अटैक करेगा, इसको मैं कर देता हूँ 22 कर देता। तो ये हमारा हो चुका है। तो 22 मीटर की यानी 22 कुछ है बस, इससे इतने में जो है ना ये हमसे देख लेगा, मतलब हमें देख लेगा, हमारे पीछे पीछे आने लगेगा। उससे दूर रहेगा तो हमें नहीं देख पाएगा, अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, एंड ये हमें इसको हिलाना डुलाना भी है, वो भी मैं इंतजाम कर लूँगा उसका, कि हिले डुलेगा सीधे नहीं खड़ा रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं सबका ये कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता। सो गाइस मैंने सब कुछ कर लिया, बस ये साउंड एडिट की। तो यहाँ पे हम एडिट साउंड पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे हर एक चीज़ का साउंड है, तो मैं यहाँ पर गाइस ये बात है कि आप साउंड नहीं सुन पाओगे क्योंकि वीडियो में साउंड अवेलेबल नहीं, बट अगर आप खुद से ट्राई करोगे ना अपना लाइव प्रूफ तो आप सुन पाओगे। तो बस मैं जो भी अच्छा है वो लगा दूंगा, बाकी यार आप तो नहीं सुन पाओगे क्योंकि यार मैं साउंड ऑफ हुआ मेरा। ठीक है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बट आप खुद ही चेक कर लेना एंड आप जो अच्छा साउंड आपको लगे वो आप डाल देना। ठीक है, तो मैं फटाफट से सारे जितने भी साउंड मेरे को चाहिए, जितने मतलब मारने के और डेथ के हिट के सबके मैं साउंड डाल देता हूँ। देखो ऊपर गेट हिट यानी जब हमें डैमेज पड़ेगा तो हम कैसा साउंड लें, बीच में डेथ जब हम मर जाएंगे यानी वो बल्कि हम नहीं बल्कि वो बंदा मर जाएगा तो कैसा साउंड आएगा, एंड वो बंदा हमें मारेगा यानी किसी को मारेगा तो कैसा साउंड होगा, हर एक चीज़ का इसमें दिया हुआ है। तो आप लगा लेना साउंड वगैरह। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमें क्या करना है। ठीक है, सो गाइस अब मैं जो साउंड एडिटिंग है ये मैं हर कैरेक्टर के साथ कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस सब कुछ हो गया, साउंड भी लग गया,
ये एंड अब हमें क्या करना है कि हम जो है अब हमें दूसरी लेवल बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिगर जोन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग कहीं पे भी उस जोन लगा लेंगे जहाँ पर हमें नेक्स्ट लेवल का दरवाजा खोलना है। यानी कि हम इस जोन में जब आएंगे तो हमारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होगा एंड नेक्स्ट लेवल कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके एडिट पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग नीचे जाके और वो जो एक्शन होगा वो ले लेंगे। तो हम एक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल का, यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट लेवल, ठीक है। ये एरो बना हुआ राइट तरफ जा रहा है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे बोल रहा है कि वही ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो इसके लिए आपको अगले लेवल पे जो है ना ये जोन को बिछाना होगा। तो हम अगले लेवल पे आ गए, ठीक है। तो अब हम अगले लेवल पे भी यही जोन बिछाएंगे। तो गाइस पहले यहाँ पे लैंड हम लोग इसको वही वाली कर लेते हैं ताकि सेम टू सेम लगे है ना, ये लैंड वो ऐसी लैंड। तो हम लोग इस लैंड को भी वही सेम कर लिया, कैमरे पे चले आते इस तरह का एंगल सही लगता है मेरे को। बाकी अभी हम लोग क्या करें, ये हमारा पहला लेवल है, ये हमारा दूसरा लेवल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वही जोन को बिछाएंगे यानी मतलब वही ट्रिगर जोन को लगाएंगे, ठीक है। तो पहले कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं एंड यहाँ प्लस पे जाएंगे एंड ट्रिगर जोन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम कहीं पे भी इसको लगा देते हैं रैंडमली, आप अपनी मर्जी से लगा देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे इंटर गेम, इंटर लेवल सॉरी। तो यहाँ पे देखो इंटर लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउन तरफ जा रहा है एरो, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो फटाफट से इंटर लेवल पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हम जो है वो गेम को हम लोग यहाँ पर मतलब लेवल को यहाँ पे कर सके, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे एक पिलर लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से एक पिलर ले आते हैं। तो पिलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड कैरेक्टर में वापस जाएंगे एंड कोई अच्छा सा दिखने वाला प्लेयर ले लेंगे जो कि लगे कि हाँ ये अपना कोई मेन कैरेक्टर है, जैसे ये बिजनेस मैन मैंने ले लिया, इसको हम लोग यहाँ पे दूर खड़ा करेंगे, ठीक है। एंड क्लोज कर देंगे, यहाँ पे देखो नीचे क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग को इसको प्लेयर कैसे बनाना है, आपको सिंपली इस बंदे पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीच में जो ये बंदा दिख रहा है ना और शक्ल बनी है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसको एडिट करेंगे, एडिट करने के लिए हम लोग जाएंगे वही एडिट वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर हम लोग कोई भी गन उसके हाथ में पकड़ा देंगे एंड यहाँ पर आपको लेजर दिख रहा है, लेजर साइट आपको उस लेजर साइट पर भी यहाँ पर इनेबल कर देना उसको, देखो गाइस कौन है पहेगा। तो उसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ, इनेबल हो जाए, ठीक है, हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक फायर है, इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी आ गई साउंड इफेक्ट की बात, तो यार साउंड इफेक्ट भी आप लगा लेना एंड गाइस इसमें आप स्किल भी लगा सकते हो जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया है, ठीक है। वो आप वो देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। बाकी अभी मैं सिर्फ साउंड लगा लेता हूँ जो कि भी आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि गाइस मैंने वॉल्यूम बंद करा हुआ है। सो गाइस सारा काम हो चुका है, अब हमें क्या करना है, कोई भी मेन कैरेक्टर या कोई भी एनिमी को हमें मूव कराना है, सीधे खड़े होना है इनको मूव कराना है। हम वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्लस पे एंड यहाँ पर हम लोग जाएंगे वे पॉइंट पे। वे पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे भी आपको हिलाना डुलाना है वहाँ पे आपको जो पिलर है उसको खड़े कर देना है, यानी जहाँ से जहाँ तक आपको लेके जाना, ठीक है। तो फटाफट से मैं खड़े कर देता हूँ एक तरफ यहाँ पर और एक इस साइड भी खड़े कर दूंगा मैं। सो गाइस मैंने खड़ा कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एनिमी को यहाँ पर सही से एडजस्ट कर लेंगे एंड हाँ गाइस इसको रोटेट भी कर लेंगे क्योंकि गाइस यहाँ पर जो एनिमी ये कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है। हमें इसको लेफ्ट से राइट जाना, आगे से पीछे नहीं लेके जाना, ठीक है। तो फटाफट इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ठीक है। सो गाइस ये रोटेट हो चुका है एकदम सही से एंड इसको पीछे कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ओपी गाइस हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके एडिट में जाना है, यहाँ पर देखो पीटीपी एनिमेशन आपको दिख रहा है, आपको उस पर चले जाना है एंड यहाँ पर देखो जो दोनों पॉइंट है उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे यूज्ड में आ गया, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर आपको पिंग पोंग करना है, ये लूप है ना इसको पिंग पोंग करना है, ठीक है, पिंग पोंग, यस, ठीक है। ये हमारा वॉकिंग स्टाइल हो गया एंड अब आप यहाँ पर देखोगे प्ले करके तो जो एनिमी है वो जो है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ऐसे मूव होगा, सीधा नहीं खड़ा रहेगा। ऐसा आप सारे एनिमी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने सिर्फ एक के साथ करा हुआ है। गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, कैरेक्टर को थोड़ा पीछे कर लेंगे क्योंकि गाइस यहाँ पे एनिमी बहुत ज्यादा करीब आ गया, इसके थोड़ा सा पीछे कर ले एंड अब हम लोग इसको आरपीजी पे क्रिएट करके मतलब प्ले करके देखते। सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एंड अब देखो गाइस, वो देखो गाइस वहाँ पे जो एनिमी वो देखो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, वो देखो गाइस वो रहा, देखो दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर मैं लेजर कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा, हाँ ठीक है। वो देखो गाइस लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इस तरह हम लोग इसको मूव करा सकते हैं। मैंने सारे पे नहीं करा, एक पे करा है, आप सारे पे कर देना क्योंकि यार वीडियो में नहीं चाहता लंबा हो, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग इसके करीब जाते हैं, देखना अभी मैं करीब जाऊंगा ये मेरे पीछे पीछे आने लगेगा अगर मैं ज्यादा करीब जाता हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे एक गन लगा लेते ताकि जो है ना पता चले कि गई हाँ हमें यहीं पे जाना है, यहाँ पे हमारा लेवल खत्म हो रहा है, नया लेवल स्टार्ट हो रहा है, लेवल टू पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये निशानी है, तो बंदा अगर घर के पास आएगा तो वो सीधा लेवल टू पे चला जाएगा, अब उसको पता हो या ना हो लेकिन ठीक है, वो आ जाएगा, उसको वो चला जाएगा लेवल टू पे, ठीक है। तो ये निशानी हो जाएगी एंड उसी के साथ साथ गाइस आप उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हो कि भाई लेवल टू हमारे यहाँ पे घर के पास है, ठीक है, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे गन लगा रही ताकि निशानी पता चले कि भाई कहाँ पर हमारा लेवल टू का ट्रिगर जोन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पूरा हो चुका है एंड अब प्ले करके देखते हैं, तो फटाफट से भागते हैं एंड इन लोगों को मारते हैं। इसी के साथ साथ गाइस इसको एफपीएस मोड में भी चलाया जा सकता है, एफपीएस मोड तो बड़ा टाइट लग रहा है गाइस दिखने में एंड यहाँ पे फटाफट से तुमको मारता हूँ मैं, सीधा लेवल टू क्रॉस करूंगा, ठीक है। तो फटाफट लेवल वन सॉरी क्रॉस करूंगा एंड इन सबको फटाफट मारते हैं, मर गए सब, मर गए, ये भी मरा
एंड इसको ही मारते हैं। ये हमारा घर है, यहाँ पर हमारा लेवल 2 है, तो घर के अंदर जैसे ही जाएंगे हम लेवल 2 के अंदर चले जाएंगे। ये गए कैसा गाइस, हम लोग चले गए, हम लोग लेवल 2 पे आ गए। लेवल 2 पे मेरे को इतना कुछ बनाया नहीं, बट बना दूंगा, ठीक है। तो गाइस ये भाई गेम हो चुकी है कंप्लीट, हम इसको हम लोग बस अभी ये मेन्यू वगैरह डाल देते हैं, जैसे कि लोडिंग वाला सीन डाल देंगे। एंड यहाँ पे सेटिंग पे जाके पेज बिल्डर पे जाके पॉज डाल देंगे, एंड यहाँ पर जाके मेन मेन्यू भी डाल देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जब मैं गेम प्ले करूंगा ना, तो देखो कुछ इस तरह से प्ले होगी, एकदम रियल गेम की तरह, ठीक है। जैसे आम गेम होती है ना रियल गेम, वैसे प्ले होगी। तो इस तरह हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं एकदम रियलिस्टिक की तरह, मतलब जैसे रियल गेम होती है प्ले स्टोर पे जो होती है। एंड इसी के साथ साथ गाइस इसको प्ले स्टोर पे भी डाला जा सकता है। उसके लिए गाइस आपको इसको बैक करना पड़ेगा, तो सेव कर लेना पहले फिर बैक करना, ठीक है। एंड हम लोग चलते हैं फटाफट से यहाँ पे एपीके पे। एंड हमारा जो गेम है इसका नाम था ZA Tube Live, ये इधर है, तो इसको हम लोग कोई भी नाम दे देंगे गेम का। एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रहे ना, अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस जिसपे लिंक भेजेंगे एपीके की, ठीक है। और यहाँ पर आपको बस सिंपली यहाँ पे आइकन ले लेना, उसके बाद यहाँ पे आपको एपीके पे क्लिक करना है, यहाँ पे लाइक के बटन पे क्लिक कर देना, एंड आपका जो है यहाँ पर गेम अपलोड हो जाएगा। थोड़ी दिन बाद आपको यहाँ पे एपीके की लिंक मिल जाएगी। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, 10K जल्दी से जल्दी करवा दो, होने वाले हैं गाइस 300 सब्सक्राइब बाकी है। एंड गाइस मैं मिलूंगा ऐसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।